नमस्कार, एस एम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विशाल हैं। विशाल, आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे क्या करने आए हैं? एक्चुअली हम लोग एक ग्रुप से हैं जो नाइन इज माइन है। हाँ। एक एनजीओ, एक कैंपेन है जहाँ पे हम लोग बच्चों के राइट्स के लिए एडवोकेसी करते हैं, वकालत करते हैं। और हमारी यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम लोग बच्चों को एक इम्पोर्टेंस दें, एक मान्यता दें, जहाँ पे कि बच्चे भारत में अपने एक एक एक्टिव सिटीजन बन के रहें, ना कि हम बोलते बच्चों को कि फ्यूचर है, फ्यूचर है। हमें अगर हम अपना फ्यूचर बनाना है तो हमें अभी इन्वेस्ट करना होगा उस पर। अभी आज इन्वेस्ट करेंगे तभी हमें फ्यूचर अच्छा मिलेगा, जिससे कि हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार जितना हमारी हेल्थ और हमारी एजुकेशन पे कितना बहुत ही कम इन्वेस्ट कर रही है। और जहाँ पे हमारी डिमांड है कि हमारी सरकार कम से कम 6% फॉर एजुकेशन और 6% ऑफ GDP फॉर हेल्थ उसके लिए दी जाए, हमारी एनुअल इनकम सरकार भारत सरकार की, तो उसमें से जहाँ, ताकि हमारे हर बच्चा भारत का जी सके अच्छे से, अपने एजुकेशन अच्छे से प्राप्त कर सके, अपनी अपने सारे राइट्स अच्छे से प्राप्त कर सके। जैसे कि हमारे भारत में CRC है लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, जैसे कि हमारी सरकार बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट कर रही है उन सब चीज़ों के लिए। बाकी मेरे फ्रेंड्स बताएंगे। खुशी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। 11th में पढ़ते हैं, तो इस तरीके के कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं ये और भी करते हैं, कहाँ कहाँ जाके करते हैं ऐसे कार्यक्रम? ये सारे कार्यक्रम तो हम लोग सब जगह वहाँ करते हैं, जो चीज़ें ह्यूमन राइट, चाइल्ड राइट और अर्थ राइट, क्योंकि बिना ह्यूमन के, बिना चाइल्ड के, बिना अर्थ के, क्योंकि जब भी हम चाइल्ड राइट के बारे में बात करते हैं तो उसमें अर्थ का राइट भी आता है। जब तक बच्चों का इन्वायरमेंट सेव नहीं होगा, जब तक बच्चों को उनके स्टेट होल्डर्स, जब तक वो उन्हें एजुकेटेड नहीं मिलेंगे, उन्हें कहना, जब तक उनके स्टेक होल्डर को अच्छा वे नहीं मिलेगा, तब तक हमें भी अच्छा वे नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे स्टेक होल्डर्स को हमारे सारी राइट्स का पता होना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारे क्या ज़रूरतें हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह ह्यूमन राइट डे मनाया जा रहा है, जिस तरह यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन बच्चों पर भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चे भी ह्यूमन में ही आते हैं। हमारे साथ एक छोटे से प्यारे से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम है और मैं भी नाइन इज माइन कैंपेन का हिस्सा हूँ जी। और जहाँ पर, मतलब जैसा मेरे दोस्त विशाल ने आपको बता दिया कि यहाँ वहाँ हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, हमारा बेसिकली मकसद यहाँ ये है कि हमारे जो सरकार ने हमारे जितने भी राइट्स बनाए हैं, अच्छी बात है, उन्होंने कितने अच्छे राइट्स बनाए हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन हमारा जो स्कूल में, जैसा मेरे दोस्त ने बताया कि एजुकेशन पर बहुत कम लग रहा है अभी भी, और हेल्थ पर बहुत कम लग रहा है। वर्ल्ड को अपना प्रॉमिस, जो सरकार ने अपना प्रॉमिस करा था वो पूरा करना चाहिए। उन्होंने 2004 में ये प्रॉमिस करा था कि वो 3% फॉर हेल्थ देंगे और 6% फॉर एजुकेशन, जो अभी तक हमें 1% से भी रिड्यूस तक बहुत कम मिल रहा है हमें जो। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारे स्कूल में कितने बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर, कितने सारे बच्चे अभी भी मजदूरी कर रहे हैं। क्या उनका ये अधिकार है मजदूरी करना? क्या उनका स्कूल ना जाना अधिकार है? कितने बच्चे अपनी हेल्थ को, जिन बच्चों के पास टॉयलेट नहीं है, किन बच्चों, जो बच्चे रोटी ना खा के मर जाते हैं, और इतने सारे बच्चों की ऐसी डेथ हो जाती है और उन्हें इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती। हम उनके लिए आवाज़ उठाने आए हैं। जैसे स्कूलों में हमारे जो स्कूल अच्छे हैं, टीचर्स जैसे हमारे PT का पीरियड है, टीचर्स हमें स्कूल क्लास में ही रखेंगे, PT का पीरियड नहीं लेके जाएंगे। क्यों? क्या ये हमारे राइट टू प्ले के अगेंस्ट नहीं है? क्या उन्हें पता नहीं होता हमारे चाइल्ड राइट्स क्या है या ह्यूमन राइट्स क्या है? हमारे ये छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनको ड्राइंग करना चाहिए, जिनको साइंस करना चाहिए, जिनको मैथमेटिक्स समझना चाहिए, और ये छोटे से बच्चे सड़कों पर उतर के देश के नागरिकों को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, हमारे अधिकार क्या हैं, जो बच्चों के अधिकार। खुशी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बच्चे? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे इंडिया में 40% बच्चे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें वो बताए कि वो कितना बच्चों पर इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसलिए हमें गवर्नमेंट बताते हैं कि हम इतने परसेंट एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इतना परसेंट हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट हमें ये नहीं बताती कि हम बच्चों के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। बच्चे हमें नहीं पता कि हमें अपना आधार कार्ड बनाने के लिए, आइडेंटिटी बनाने के लिए कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। जिस तरह डिसेबल के लिए, बच्चों के लिए, डिसेबल्स के लिए टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए टॉयलेट्स क्यों नहीं है? कि बच्चे, वो बच्चे जो 6 साल के हैं, चार साल के हैं, या फिर जो ऑर्फेनेज में, जो ऑर्फेन है बच्चे, क्या वो उन टॉयलेट्स को यूज़ कर पाएंगे? तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक बजट सिर्फ बच्चों के लिए बनाए, ताकि वो बताए कि हम बच्चों पर कितना
अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्यूचर नहीं है, हम प्रेजेंट हैं। ये सब आपको सिखाता कौन है? ये सब हम लोगों को, हमें सिर्फ यहाँ पे फैसिलिटीज दी जाती है। सर आपका शुभ नाम क्या है? वो मेरा नाम डेंजल है। डेंजल एक बात बताइए, ये सब चीजें आप क्यों बच्चों से करवा रहे हैं? आप भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों से क्यों करवा रहे हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि हमेशा बड़े उनके लिए, बच्चों के लिए बोला जाए। हम सोच चाहते हैं कि बच्चे खुद के लिए सहे, क्योंकि शायद जो प्रॉब्लम्स वो सह रहे हैं वो हम नहीं सह रहे, हम उनको बोल सकते हैं उनके लिए, बट हम चाहते हैं बच्चे जो दर्द सह रहे हैं, जो प्रॉब्लम सह रहे हैं, वो अपने लिए खुद बोले। आज इतनी सारी तादाद के अंदर यहाँ पे बच्चे आए हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को दिखा के सबको अट्रैक्ट करा, और यहाँ पे हजारों की तादाद में तालियां बजी इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए, और जिनको स्कूल्स में होना चाहिए आज वो रोड पे आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऑफ रीज़न कि आपका ये मिशन, इन बच्चों का ये मिशन रुकना नहीं चाहिए, पूरे देश, पूरी दुनिया और उन नेता तक पहुँचना चाहिए जिन्होंने इन बच्चों के लिए आज तक सोचा भी नहीं।